नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केळकर तोरणकर साइकेट्री नर्सिंग होम घोड़बंदर ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे अगारोफोबिया पे। अगारोफोबिया यानी फियर ऑफ क्राउड या क्लोज स्पेसेस या ओपन स्पेसेस, सॉरी। तो ओपन स्पेसेस या क्राउड में डर लगना। अब क्राउड यानी जैसे मार्केट प्लेस हो या फिर सिनेमा हॉल हो, ट्रेन्स हो, मेट्रोज हो, बस हो या फिर फन फेयर है, आनंद मेला है या शादी में बड़ी भीड़ भाड़ होती है, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ जाके डर लगना। उन्हें ये डर लगा रहता है कि अगर मैं इस क्राउड में, इस गर्दी में फंस गया तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा, मुझे कौन बचाएगा, अगर मुझे इस भीड़ भाड़ में अगर किसी ने मुझे दबोच दिया तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, तो ऐसा डर उन्हें ये लगा रहता है। और इसकी वजह से फिर उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है और ये थॉट से ही वो परेशान हो जाते हैं। पसीना छूटता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि अब मैं पागल हो जाऊंगा। इतना सिवियरिटी का उन्हें वो अटैक आता है, पैनिक का, अगर वो सच में वो क्राउड स्पेसेस पे गए तो। और फिर उसकी वजह से उन्हें वो अवॉइड करते हैं बाहर जाना, घर में बैठे रहते हैं, अगर बाहर गए भी तो भी किसी को साथ में लेके जाते हैं ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आई भी तो भी मुझे कोई वहाँ से बाहर निकाल सके। तो ऐसे, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, वो बाहर नहीं जाते हैं, फिर वो काम नहीं कर पाते हैं, वो काम अवॉइड करते हैं और उनका वर्क बहुत सफ़र होता है, उनकी लाइफ बहुत सफ़र होती है और उसकी वजह से फिर उनको डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, उनको सुसाइडल आइडियाज़ कभी कभी आने लगते हैं कि अब मैं कोई मतलब ही नहीं है, हेल्पलेस फील करने लगते हैं, वो कोई मतलब ही नहीं है लाइफ का। तो ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे उनकी लाइफ में शुरू हो जाती है। तो अब इसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है खुद को कन्फ्रंट करना, यानी उससे सामना करवाना कि मुझे ये प्रॉब्लम है और उसका मैंने ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब ट्रीटमेंट में जनरली मेडिसिन्स होते हैं क्योंकि मेडिसिन्स का ये रोल है कि आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं, घबराहट नहीं होती है इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धीरे 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 आप काम करने लगते हो, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जिससे आपको स्ट्रेस जो आता है सब चीज़ों का वो नहीं आता है और आप धीरे धीरे जैसे जैसे जाने लगते हो आपको फ़र्क दिखता है। इसमें भी एक्सपोजर थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है जिसमें फ्लडिंग होता है, यानी ओपन स्पेस में अगर आपको डर लगता है तो अचानक से ओपन स्पेस को आपने एक्सपोज होना, बहुत भीड़ भाड़ में एक्सपोज होना ताकि आप एकदम से आपको वो जो डर लगता है वो निकल जाए। और दूसरा होता है कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसमें कि धीरे धीरे आप एक्सपोज होते हो, जैसे कि आप अगर घर के बाहर नहीं निकल रहे हो भीड़ की वजह से तो आप घर के बाहर निकलो, फिर घर के बाहर खड़े रहो, फिर लिफ्ट से नीचे उतरो, लिफ्ट के सामने खड़े रहो, फिर गेट के सामने खड़े रहो और फिर धीरे धीरे पब्लिक में जाओ। तो इसको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। इसमें हिप्नोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है। हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि आप रिलैक्स करके बॉडी को सजेशंस देते हो ब्रेन को और विजुअलाइज करते हो कि आप भीड़ में गए हो, आप शांति से भीड़ में खड़े हो और ऐसा धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस देके, सेल्फ सजेशंस देके आप खुद को रिलैक्स रखते हो और यही फिर सजेशंस आपको जब आप एक्चुअल करते हो तो आपको तकलीफ नहीं होती है। तो ये था सब अगारोफोबिया पे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।